बुधवार को गणेश चतुर्थी पर घर से लेकर पंडालों तक गजानन विराजमान हुए। पूरे विधि विधान के साथ गजानन की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान शहर में सजे हर पंडाल गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष से गूंज उठा। साल से पूजा करते हैं गणेश जी की। बस ये है कि 2 साल से लॉकडाउन में किए नहीं थे पूजा, बस इस साल से जोर शोर से करने की इच्छा है। बच्चों का तो बच्चे सुबह तो से मथा था टेक के जाते हैं, लेकिन शाम को पूजा करते हैं, आरती पूजा वगैरह करते हैं, सुबह स्कूल चले जाते हैं। उत्साह बस बोलते हैं रोज रोज नया नया प्रसाद बनवाइए मम्मी, तो गणेश जी को रोज रोज नया नया भोग लगेगा, कभी लड्डू लगेगा, कभी कचौड़ियाँ लगेगा, कभी मोदक लगेंगे। बस ये है कि गणेश जी आती हैं तो हमारे यहाँ दिवाली ही बनती है। मीनल वीरवानी। हमको गणेश जी पे हमको बहुत अच्छे लगते हैं। हम अगर वो जाते हैं तो हमको रोना भी आता है। हम लोग 2 साल लॉकडाउन में हम लोग रख नहीं पाए थे। बहुत अच्छा। पूजा पाठ भी करते हो? यस। कैसे पूजा पाठ, कैसे भोग लगाते हो? मोदक का, लड्डू का और कचौड़ियों का। तो इस बार बड़े उत्साह के साथ जय गणेश। जय गणेश। सर ये दूसरा साल जो बनेगा सर करेंगे सुबह शाम। दिनेश, मिस्टर का नाम दिनेश पटेल, मेरा मीना पटेल। बुधवार को शहर के विभिन्न मंदिरों और समितियों ने गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया गया। नगर की हृदय स्थली सिविल लाइन गणेश चौक में भी धार्मिक अनुष्ठानों के बीच गणपति जी स्थापित किए गए। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की जय जयकार के साथ गणेश उत्सव शुरू हुआ। कटनी से सुनील यादव की रिपोर्ट।